जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है लेकर एक और मैच। और मैच है रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज का आज का दूसरा मैच। पहला मैच आपको पता है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का डबल हेडर है आज, जिसमें से पहला मैच 3:30 बजे शुरू होने वाला। ये वाला मैच 7:30 बजे शुरू होगा कानपुर में ही। किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। और टीमें भी क्या आई हैं? टीमें वो आई हैं जो अपने टाइम में जबरदस्त टीम हुआ करती थी। वो प्लेयर आए हैं जिनके लिए हम बाहें खोल के और आंखें ऐसे खोल के बैठा करते थे टीवी के सामने कि अरे वाह, जयसूर्या खेलेंगे, दिलशान खेलेंगे, ब्रेटली गेंदबाजी करेंगे, शेन वॉटसन, अरे वाह। तो ऐसे प्लेयर्स का ये मजमा लगा है और उस मजमे का आनंद लीजिए मेरे साथ। वीडियो में जुड़े रहिएगा, फैंटेसी टीम बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे। आज के दौर में कौन से प्लेयर कामयाब हो सकते हैं उन पर चर्चा होगी, कौन सी टीम किस पे भारी पड़ सकती है उस पे भी बात होगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक डटे रहना है। चैनल पर पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो क्योंकि अपडेटेड टीम तो वहीं मिलेगी। और कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है उस पर क्लिक करो, लिंक दे रखा है वहां पे, क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे आ जाएगा, ज्वाइन कर लोगे। नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए क्रिकेटोलॉजी हमारे चैनल का नाम। जब आप क्रिकेटोलॉजी सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल देखेंगे, लेकिन उनमें से ये वाला चैनल जिसकी डिटेल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, बस इसी चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसके अलावा कोई भी चैनल ज्वाइन करेंगे मजा नहीं आएगा क्योंकि वो सब फेक चैनल है, आपके साथ ठगी कर सकते हैं। ये ओरिजिनल वन है, इसी को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए मैच पे आ जाते हैं भाई। प्लेइंग 11 कानपुर का पिच थोड़ा लो स्लो रहने की संभावना है, और वैसे भी ये जो शेर हैं हमारे वो थोड़े थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, तो वो ऐसी कयावत या वैसे कलात्मकता तो नहीं रही है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, हालांकि बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो हाई स्कोरिंग गेम कैन नॉट से। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे भी जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो अब ये उनके बाहों में भी दम है, तो वो बड़े स्कोर बना भी सकते हैं, है ना। तो खैर देखते हैं क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। पहले श्रीलंका की, श्रीलंका का प्लेइंग 11 ये हो सकता है, तिलक रत्ने दिलशान आए हैं, मजा आ गया। ओपनिंग उनके साथ सनत जयसूर्या, वाह क्या जयसूर्या दिलशान की क्या ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी। अगर किसी ने 2003 से 2007 तक का क्रिकेट फॉलो किया हो तो आपको पता चलेगा कि दिलशान और जयसूर्या के आगे अच्छे अच्छे पानी भरा करते थे। 3 नंबर उपुल थरंगा, हालांकि बहुत बड़ा नाम नहीं रहा है श्रीलंकन क्रिकेट में थरंगा का, लेकिन बहुत लंबे समय तक खेले हैं, आते जाते रहे हैं, जानते हैं इनको सभी हैं ही, और विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी इन्हीं के हिस्से आ रही है इस टूर्नामेंट में। 4 नंबर चमारा कपूगेदरा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी किया करते थे, बहुत बड़ा नाम नहीं कमा पाए लेकिन ठीक ठाक खेले हैं श्रीलंका के लिए। 5 नंबर चमारा सिल्वा, इंडिया को बड़ा परेशान किया करते थे, इंडिया के खिलाफ हमेशा चलते थे, और ये शिकायत हुआ करती थी मुझे इनसे, क्यों यार आप हमेशा इंडिया के खिलाफ रन स्कोर कर देते हो, बाकी ठीक ठाक डिसेंट प्लेयर है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तेसारा परेरा इनको तो सभी जानते हैं, तो अभी दो मेरे ख्याल में पिछले लंका प्रीमियर लीग भी खेले, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है इन्होंने, लेकिन LPL में तो अभी भी एक्टिव है, तो ये सबसे क्रूशियल रहने वाले श्रीलंका के लिए। तिलक रत्ने दिलशान और तिसारा परेरा इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर है दारोमदार श्रीलंका का। असिला गुणरत्ने बड़े यूजफुल प्लेयर होते हुआ करते थे, बहुत यूटिलिटी प्लेयर हुआ करते थे, मुझे बड़ा पसंद थे, लेकिन कम खेले श्रीलंका के लिए, इंजरी का कंसर्न रहा, फॉर्म का कंसर्न रहा, लेकिन थे बहुत बढ़िया प्लेयर। इशुरू उदाना ये भी लास्ट सीजन तक खेले हैं IPL के, इट मीन्स ही इज ऑल्सो एक्टिव प्लेयर। तो दिलशान के साथ तिसारा परेरा और इशुरू उदाना ये 3 प्लेयर हैं जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हैं, मतलब जिन पे आपको नजर बनाए रखनी होगी, जिनको अपनी फैंटेसी टीम में भी लेना पड़ेगा आपको। दिलरुबर परेरा अच्छे ऑलराउंडर हुआ करते थे, स्पिन ऑलराउंडर, लेकिन उस टाइम पे मुरलीधरन, अजंता मेंडेस जैसे प्लेयर हुआ करते थे, तो दिलरुबर ज्यादा खेल पाए नहीं। फिर नोवान कुलासेकरा, अरे कौन से भूल सकता है भाई, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल धोनी ने निकी गेंद पे तो छक्का मारा था, दैट इज गॉन इन टू द स्टैंड्स, रवि शास्त्री की आवाज में हम सबको याद है गेंदबाज कौन थे, चविंडा वास्वा, लेफ्ट हैंडेड पेसर, बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत मोस्टली क्या है पावर प्ले विकेट ले लिया करते थे, और श्रीलंका के लिए पेसर्स में सबसे ज्यादा लेने वाले गेंदबाज भी हैं, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। अगर इस टीम में कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर मोस्टली यही रहेगा, गेंदबाजी की बात करूं तो चविंडा वास, नुवान कुलासेकरा, इशुरू उदाना, तिसारा परेरा के रूप में 4 गेंदबाजी ऑप्शन है, जिसमें तिसारा और उदाना 4-4 ओवर का स्पेल करेंगे क्योंकि ये थोड़े यंग है। चमिंडा वास और कुलासेकरा हो सकता है कि एक एक स्पेल के बाद ना लौटे। स्पिन में दिलरुबर परेरा के हाथ में रहेगा, तो तिलक रत्ने दिलशान से भी आपको पूरे 4 ओवर देखने को मिल सकते हैं,
ओपनिंग के साथ इनका गेम कवर बिल्कुल एक्सीलेंट है, ये कहानी हो सकती है। डेथ ओवर्स में उदाहरण और परेरा ही गेंदबाजी करेंगे, पावर प्ले में कुलाशेखर वास दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये कहानी है आपका श्रीलंका की टीम की। बात करते हैं माइटी ऑस्ट्रेलियंस की, कंगारू क्या टीम लेकर आए हो भाई, देखो जरा सेन वॉटसन, आई हाय हाय। अभी 2 साल पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फाइनल खेले थे, याद है ना, वो घुटने में वो ब्लड ब्लड निकल आया था, इंजर्ड घुटने के साथ खेले थे। तो अभी शेर वो उतना भी बूढ़ा नहीं हुआ है, तो हल्के में लेने की गलती ना करना। ओपनिंग इनके साथ करेंगे ब्रैड हेडन, विकेट कीपर हुआ करते थे, और टिम पेन से पहले ब्रैड हेडन ही इनके विकेट कीपर हुआ करते थे टेस्ट में। मुश्किल से 2 साल हुए हैं, लेकिन अभी भी इनकी T20 टीम के साथ कोचिंग स्टाफ में जुड़े हुए हैं, इट मीन्स एक्टिव हैं। 3 नंबर कैलम फर्ग्यूसन पिछले बीवीएल सीजन भी खेले हैं, तो एक्टिव ही समझिए इनको। बेन डेक अभी पीएसएल खेल के गए, तो ये तो मुझे पता भी नहीं चला, अभी मैं देख रहा था कि कब रिटायर हो गए भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से। हालांकि इंटरनेशनल खेले भी नहीं बहुत ज्यादा, अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, तो लेकिन इंटरनेशनल से रिटायर हो गए, वैसे एक्टिव प्लेयर है। कैमरून व्हाइट बल्लेबाज भी है, स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और जब आए थे इंटरनेशनल सिनेरियो में तो एज ए बॉलर ही आए थे, फिर कब बल्लेबाज बन गए स्टीव स्मिथ की तरह पता नहीं चला। उसके बाद ब्रैड हॉज T20 का बहुत सटीक प्लेयर माना जाता था इनको, फिनिशिंग स्किल्स इनके लाजवाब है, इसीलिए नंबर 6 पे मैंने स्लॉट इन किया हुआ। हाँ, यहां से थोड़ी समस्या ये है, 6 से आगे जिन प्लेयर्स को ये लेके आए हैं उनसे नीचे थोड़ा बल्लेबाजी में बात ऑस्ट्रेलिया की बन नहीं रही है, क्योंकि जॉन हास्किंस लंबे शॉट मार लेते हैं बट रिलायबल प्लेयर नहीं है, हालांकि तेज गेंदबाज है ब्रैट हिल। अरे इनको देखने में मजा आएगा नहीं, कि अभी कितनी स्पीड निकाल रहे हैं, तब तो आप 160 मारते थे, अभी क्या 130 भी फेंक पा रहे हो, ये देखने वाली बात है। हालांकि ब्रैडली फिट बहुत है, तो ये अभी भी 140 फेंकना बड़ी बात नहीं, यही दिलचस्प बात भी होगी देखने की। हाँ, क्योंकि ये मैचेस हार जीत के लिए नहीं है ना, ये उस दौर को वापस लाने के लिए है जब क्रिकेट जो है दिमाग से ज्यादा दिल में बसा करता था। स्टुअर्ट क्लार्क बहुत सटीक गेंदबाज थे, मतलब विकेट टू विकेट गेंदबाजी इनसे बेटर उस दौर में कोई करता ही नहीं था। डर्क ननीस, हमने आईपीएल में भी देखा है ना डर्क ननीस को, तो चेन्नई के लिए खेलते हुए, मुंबई के लिए खेलते हुए लेफ्ट हैंड पेसर थे, नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं, वहां खेला करते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। जेसन क्रेजा, इनका जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच में, तो पहले ही टेस्ट मैच में 8 विकेट ले गए थे भाई साहब, इंडिया के खिलाफ इंडिया में ही फर्स्ट इनिंग में, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं चल पाई, फिर उसके बाद चले गई, और फिर नाथन लियोन आगे सिनेरियो में, तो इनका मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो डर्क ननेस, स्टुअर्ट क्लार्क, ब्रैडली, जॉर्ज हास्टिंग्स 4, और सेन वॉटसन 5, 5 पेसर, और जेसन क्रेजा के रूप में एक स्पिन, और कैमरून व्हाइट की इस रूप में स्पिन इस स्क्वाड में अवेलेबल है। पावर प्ले में गेंदबाजी ब्रैडली ही करेंगे, स्टुअर्ट क्लार्क करेंगे, डेथ ओवर्स में मुझे लगता है डर्क ननेस, स्टुअर्ट क्लार्क और सेन वॉटसन, क्योंकि फिटनेस वॉटसन की बेटर है, या आएंगे लौट के मिडिल ओवर जेसन क्रेजा और कैमरून व्हाइट के हिस्से आ सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग लेवल की बात, फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं, क्या होने जा रही है आपकी फैंटेसी टीम। लेकिन वो फैंटेसी टीम आपको ट्राई करनी है, वो भी समझना आपको बेहद जरूरी है और आवश्यक भी है, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी बात बनेगी। तो दोस्तों खेलना शुरू कीजिए विजन 11 ऐप पर, बहुत अच्छा ऐप है, बड़ा शानदार ऐप है, स्टैट्स आपको दिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्टैट्स से भी बहुत अच्छा ऐप है, स्टैट डज नॉट स्पीक ऑल, रिलायबिलिटी जबरदस्त है, ड्रीम 11 के बाद दूसरे नंबर का ऐप मेरे ख्याल में विजन 11 आज की डेट में, और कॉन्टेस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि 1 रुपए से लेके 1 लाख तक का जितना चाहे वैसा कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, जितने पोजीशन चाहिए आपको। उसके अलावा मल्टी स्पोर्ट ऐप है, फायदे बहुत सारे, डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम से कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, कहीं से भी क्लिक करके डाउनलोड करिएगा अभी के अभी। ठीक, फैंटेस्टिक पे आ जाते हैं, तो देखें ब्रेड हेडिंग और थरंगा के रूप में 2 मेरे पास स्पिन विकेट कीपिंग ऑप्शन थे, दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, लेकिन ब्रैड हेडन को हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले 3 साल, उबुल थरंगा को अभी हुआ 1 साल, पिछला तो वर्ल्ड सीरीज रोड सेफ्टी सीरीज हुआ था उसमें थरंगा की परफॉर्मेंस लाजवाब थी, दिलशान थरंगा ने मजा बांध दिया था, तो मैं थरंगा को प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए थरंगा के साथ जा रहा हूँ एज ए विकेट कीपर, और वो इसलिए भी क्योंकि मुझे 4 ऑलराउंडर इस टीम में लेने हैं, वरना मैं हेडन और थरंगा दोनों को प्रेफर करता विकेट कीपिंग में, लेकिन चूंकि ऑलराउंडर्स मुझे चारों लेने, तो फिर मुझे मजबूरी में हेडन को छोड़ना पड़ा, एक चूज करना पड़ा हेडन वर्सेस थरंगा। 3 बैटिंग ऑप्शन, सनत जयसूर्या, ब्रैड हॉज और कैलम फर्ग्यूसन, कैलम फर्ग्यूसन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे 3-4 प्लस, फॉर्म भी ठीक ठाक रहेगी, फिटनेस ठीक ठाक, क्योंकि पिछले तीन तीन चार महीने पहले तो इन्होंने अभी बीवीएल खेला है। सनत जयसूर्या ओपन करेंगे, और इनके अलावा अगर पूरी बैटिंग टीम देखूं तो चाहे चमारा कपूर गेज रहा हो, चाहे चमारा सिल्वा हो, सबको इंटरनेशनल क्रिकेट खेले टाइम हो गया, तो क्यों ना फिर ऐसे प्लेयर को लिया जाए जिसकी क्वालिटी बेटर है, जिसके स्टैट्स बेटर है, या जिसका
गेम कवर बैटर है और जयसूर्या से स्पिन बॉलिंग भी मिल सकती है। 300 से ज्यादा विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में जयसूर्या के हैं, उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए मैं जयसूर्या के साथ जा रहा हूँ। उधर ब्रैड हॉज, क्योंकि इनके जो फिनिशिंग स्किल्स थे अपने दौर में अनमैचेबल, तो ब्रैड हॉज हो गए। चार ऑलराउंडर सिन वॉटसन ओपनिंग करेंगे, 2 से 3 ओवर जरूर डालेंगे, 4 ओवर भी डाल सकते हैं अगर पिच ने थोड़ी मदद दे दी तो। ऐसे में सेन वॉटसन को वाइस कैप्टन बनाया, तिलक रत्न तिलसान ओपन के साथ 4 ओवर पूरे डाल सकते हैं, क्योंकि इनके मूवी पिच होगी स्पिन का, तो इसलिए तिलसान को मैंने कैप्टन बनाया और सेन वॉटसन को वाइस कैप्टन। आप चाहे रिवर्स कर सकते हैं, तिलसान को कैप्टन वाइस कैप्टन और वॉटसन को कैप्टन भी कर सकते हैं। इसरू दाना और तिसारा परेरा बल्ले से कंट्रीब्यूट करेंगे, बॉल से कंट्रीब्यूट करेंगे, एक्टिव प्लेयर्स हैं। ऐसे मैचेस में जो एक्टिव प्लेयर होते हैं ना रिसेंटली रिटायर्ड, वो बड़ा काम आते हैं, इसलिए इन दोनों का यहाँ लेना बनता है। 3 बॉलर जिसमें ब्रैडली और डर्क लनीस अपने अपने स्किल के दम पे मैंने लिया है, जरूरी है। और फिर चमंडा वास, नुमान कुलाशेखरा के ऊपर चमंडा वास को मैं क्वालिटी की वजह से प्रेफर कर रहा हूँ। आप चाहे तो नुमान कुलाशेखरा ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चमंडा वास इज बेटर ऑप्शन। तो ये आपकी फैंटेसी टीम होगी इस मैच की, किसी भी परिस्थिति में किसी भी ऐप और किसी भी कॉन्टेस्ट में आप इस टीम के साथ जा सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ होती रहती है, आपको पता है हर दिन। आज लीजेंड्स लीग के दोनों मैच, उसके अलावा एशिया कप फाइनल की वीडियोस भी हैं, तो वो भी देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अपडेटेड फैंटेसी टीम वही आएगी। ठीक है, मिलते रहेंगे, उम्मीद आपका प्यार मिलेगा, ये परिवार बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय माता दी।